दोस्तों अगर आपने कोई अकाउंटिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, टेली प्राइम जैसे सॉफ्टवेयर को आपने सीख लिया है और आप किसी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट की पोस्ट पे इंटरव्यू देने जा रहे हो और वहां से आपसे अगर एक बात पूछ ली जाए कि कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों टाइप की सेल ट्रांजेक्शन की एंट्री को हम टेली में किस तरीके से पास करते हैं और दोनों टाइप की ट्रांजेक्शन का इफेक्ट हमारी जीएसटी की रिटर्न पर क्या पड़ता है, तो अगर इन सभी बातों का आपको नॉलेज है पहले से ही तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके माइंड में थोड़ा कंफ्यूजन है भी क्रेडिट सेल और कैश सेल में क्या डिफरेंस होता है, इसका इफेक्ट हमारी जीएसटी की रिटर्न पे क्या पड़ेगा, तो ये सारा कंफ्यूजन आज की इस वीडियो में आपका दूर होने वाला है। बस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा क्योंकि इसमें जो भी आपको मैं बातें बताने वाला हूं वो पर्टिकुलर वाउचर के साथ प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा भी हम कैश सेल किसको बोलते हैं और क्रेडिट सेल का क्या मतलब होता है और दोनों को एंट्री करने के बाद हमारी बुक्स पे जीएसटी की रिटर्न पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर भी जरूर कर देना। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों टेली सॉफ्टवेयर में एंट्री करने से पहले हम एक बार कैश सेल और क्रेडिट सेल का मतलब समझ लेते हैं। तो जैसा कि मेरे पास ये दो टाइप के वाउचर है, अब एक वाउचर ये है, अब इसके अंदर देखा जब भी हम किसी कस्टमर को सेल करते हैं तो हमारे पास ये अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अलग अलग थोड़ा सा चेंज हो सकता है लेआउट के अंदर, जैसा अभी आप देख सकते हो भी टेली सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे कंसाइनी लिखता है और हो सकता है अलग टाइप का जो सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग वो यहाँ पर कस्टमर का नाम लिख दे, बायर्स का नाम लिख दे, सेम ही मतलब है, कोई फर्क नहीं है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर हमें कंसाइनी नेम के अंदर किसी कंपनी का नाम या पर्टिकुलर किसी कस्टमर का नाम अगर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो एंट्री हमारी क्रेडिट सेल है, यानी कि वो हमारी उधार की सेल है। तो दोनों कंडीशन के अंदर आपको देखना है, सिप टू के अंदर और बिल टू के अंदर, अगर यहां पर कोई केस शब्द नहीं लिखा हुआ है यानी कि केस वर्ड का कोई यूज हमने नहीं किया तो वो एंट्री उधार मानी जाएगी। तो अब केस की निशानी क्या होगी, अगर हमने किसी को केस में सेल किया है तो जो केस की जो हमारी सेल होती है उसके अंदर बाकी प्रोसेस सारा सेम होगा, बट आपको यहां पर कंसाइनी नेम के अंदर या कस्टमर नेम के अंदर या फिर बायर्स के नेम के अंदर आपको किसी इंडिविजुअल कस्टमर का नाम या कंपनी का नाम नहीं दिखाई देगा, यहां पर आपको वर्ड दिखाई देगा केस का। अगर यहाँ पर केस का वर्ड है लेकिन उसके बावजूद आपको कहीं नरेशन के अंदर या फिर बायर्स की डिटेल्स के अंदर अगर आपको उस कंपनी का नाम या कस्टमर का नाम देखने को मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पहला पॉइंट ये देखना है कि कंसाइनी के अंदर नाम किसका लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर केस है तो इसका मतलब वो हमारी बिल्कुल नगद की सेल है, केस सेल है। तो यानी कि क्रेडिट का सेल का मतलब हो गया उधार की सेल और केस सेल का मतलब हो गया नगद की सेल। तो एक चैप्टर हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दोनों टाइप के ट्रांजेक्शन को टेली में एंट्री किस प्रकार से करते हैं। तो एंट्री दोस्तों अभी तक मैंने किसी टाइप की ट्रांजेक्शन यहां पर मैंने करी नहीं है, आप खुद देख सकते हो मैंने लास्ट डेट ऑफ लास्ट एंट्री के अंदर आपको नो वाउचर्स एंटर दिखाई दे रहा है और आपको मैं बैलेंस शीट भी ओपन करके दिखाता हूं, यहां पर किसी टाइप की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर किसी टाइप की ट्रांजेक्शन नहीं है। जो भी वाउचर की एंट्री करूंगा आपके सामने और वाउचर से करके बताऊंगा और उसके बाद में हम जीएसटी के रिटर्न का इफेक्ट भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं वाउचर पे, सेल वाउचर पे जाएंगे और सबसे पहले हम करेंगे हमारी फर्स्ट जो क्रेडिट की सेल है उसकी एंट्री को। तो क्रेडिट की सेल की एंट्री के लिए आप देखोगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा इनवॉइस का नंबर हमें देना होता है। तो इनवॉइस का नंबर हम दे देंगे जो हमारा इस वाउचर के ऊपर लिखा हुआ है और उसके बाद में हम डेट सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें यहां पर करना क्या होगा, पार्टी अकाउंट नेम आपसे पूछेगा, तो पार्टी अकाउंट नेम के अंदर अगर आपकी उधार की सेल है तो उस कस्टमर का नाम उस कंपनी का नाम यहां पर आपको देना पड़ेगा, इस लिस्ट में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि सुरेश ट्रेडिंग कंपनी है, लेजर ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, तो अब सुरेश ट्रेडिंग कंपनी का लेजर किस तरह से बनेगा, सुरेश ट्रेडिंग कंपनी का नाम और इसका जो ग्रुप सिलेक्शन है वो रहेगा सेंडरी डेप्टर में जो कि हमारे लिए कस्टमर है। और उसके बाद में अब स्टॉक आइटम पे हम कोई डिटेल पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल बात कर रहे हैं कैश और क्रेडिट सेल की। तो जैसे इसके अंदर चार पांच आइटम है लेकिन मैंने यहां पर केवल सिंगल आइटम की बनाई हुई है, क्वांटिटी वन कर लेते हैं, रेट इसका 100 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सेल का लेजर सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद में सीजीएसटी सेलेक्ट कर लिया और एसजीएसटी सेलेक्ट कर लिया।
तो ये सिंपल सा हमारा एक तरीके का ये सेल का वाउचर है जो बन चुका है। अब हम बात करें, ये हमने केस क्रेडिट की सेल तो हमने कर दी, लेकिन अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? अब इसका इफेक्ट ये पड़ेगा, ये जो हमने अमाउंट की जो सेल करी है वो कस्टमर के अकाउंट में डेबिट होगी। तो अब कस्टमर का अकाउंट देखने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर जाएंगे और लेजर को सिलेक्ट करेंगे। तो यहां से हम सुरेश ट्रेडिंग कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, तो आप देखोगे ये सुरेश ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट में 112 रुपए डेबिट हो चुके हैं। अब 112 कौन से हो गए, 100 रुपए हमारी सेल अमाउंट और 12 रुपए हमारा टैक्स का अमाउंट, तो टोटल 112 रुपए कस्टमर के अकाउंट में डेबिट हो गया। अब एक तो पहला इफेक्ट तो पड़ेगा, कस्टमर के अकाउंट के अंदर ये पैसा डेबिट होगा, और दूसरा इफेक्ट इसका क्या पड़ेगा हमारी जीएसटी रिटर्न पे। तो जीएसटी रिटर्न देखने के लिए डिस्प्ले पर हम जाएंगे, स्टेचरी रिपोर्ट पर भी जाएंगे, आप डायरेक्ट यहां से गो टू पे क्लिक करके और डायरेक्ट जीएसटी रिपोर्ट पर भी आ सकते हो। सेम ही प्रोसेस है, सबसे पहले हम देखेंगे जीएसटीआर 1 को, पूरा पीरियड हम ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो हमारी एक जो सेल हमने करी थी वो हमारी इस बी टू बी की ट्रांजेक्शन में आ चुकी है। क्यों आई? क्योंकि जिस रजिस्टर्ड पार्टी को हमने सेल किया था उसके पास जीएसटी नंबर है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो ये हमारा बी टू बी का पार्ट बन गया। तो ये हमारा एक तो क्लियर ही हो गया, हमारी रजिस्टर्ड पार्टी को अगर हम सेल करेंगे तो हमारा बी टू बी के अंदर दिखाई देगा। अगर ये कस्टमर अनरजिस्टर्ड होता, यानी कि उसके पास जीएसटी नंबर नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो 100 रुपए की अमाउंट है ये पॉइंट नंबर 3 पे आ जाती बी टू सी के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात इसका एक हम प्रिंट प्रीव्यू भी देख लेते हैं। अगर हम इसी कस्टमर को जब इनवॉइस देंगे और प्रिंट प्रीव्यू हम देखेंगे तो अब इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जिस पार्टी को हमने सेल किया है उस पार्टी का नाम आपको यहां पर दिखाई देगा, कंसाइनी नेम के अंदर भी और आपका इसके बिल टू के अंदर भी। तो दोनों कंडीशन के अंदर आपका पार्टी का नाम दिखेगा, कस्टमर कंपनी जो भी जिसको भी आप सेल कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये आपकी क्रेडिट की सेल होगी। अब हम बात करते हैं वाउचर नंबर 2 की, जो कि हमारा केस वाउचर है, लेकिन ये हमने केस तो किया है लेकिन बट हमने सुरेश ट्रेडिंग कंपनी को किया है, पैसा इसने साथ के साथ दे दिया। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, तो वाउचर नंबर हम एक बार 2 ओपन करते हैं, उसी वाउचर को मॉडिफाई नहीं करेंगे, तो वाउचर नंबर 2 पे अब हम यहां पर पार्टी अकाउंट नेम की जगह अब हमें पार्टी का नाम नहीं देना, चाहे उसने पैसा नगद दे दियो, लेकिन हम यहां पर करेंगे केस सेलेक्ट, और उसके बाद में हम सेम वही स्टॉक आइटम एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, क्वांटिटी और थोड़ा रेट हम चेंज कर लेते हैं एक बार, और सेम बाकी प्रोसेसर हमारा सेम रहेगा, सीजीएसटी टैक्स का और एसजीएसटी टैक्स का, इंटरप्रेस करते हैं इस वाउचर को हम सेल करेंगे। तो अब इसका इफेक्ट क्या गया, अब ये जो हमने सेकंड वाउचर की जो एंट्री करी है इसका इफेक्ट हमारा पड़ेगा केस के लेजर पे। तो लेजर देखने के लिए सेम वही तरीका, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक और लेजर, तो आपको केस का लेजर देखेंगे, तो केस के लेजर के अंदर आपको वो 840 रुपए की जो अमाउंट है वो दिखाई देगी, जिसके अंदर हमारी 750 रुपए की सेल और बाकी हमारा 90 रुपए टैक्स के रूप में है। तो अब इसके बात करें सुरेश ट्रेडिंग कंपनी की, तो सुरेश ट्रेडिंग कंपनी के इसके अमाउंट वाउचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके अभी भी फर्स्ट वाउचर ही आपको दिखाई देगा। लेकिन अब हम बात करते हैं भी जीएसटी रिटर्न की, तो जीएसटी की रिटर्न हम देखेंगे, तो जीएसटी के रिटर्न का इफेक्ट हमारा क्या आया, जो हमने सेकंड वाउचर जो सेल किया है उसका इफेक्ट हमारा आ गया बी टू सी के अंदर। एक हमारा फर्स्ट इनवॉइस था बी टू बी का और सेकंड आ गया बी टू सी का। लेकिन अब बात आएगी भी कस्टमर तो रजिस्टर्ड था, तो इसका नाम तो अब इस वाउचर में आना चाहिए था बी टू बी के पार्ट में, तो ये बी टू सी के अंदर क्यों आया, तो इसका मतलब वो अनरजिस्टर्ड को आपने सेल कर दिया। अगर उसी इनवॉइस को हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं उसका, जो अभी हमने केस सेल करी थी, कंट्रोल पी करेंगे और प्रीव्यू पे हम क्लिक करेंगे, तो अभी आप देख सकते हो यहां पर आपको दोनों कंडीशन के अंदर केस नजर आ रहा है। लेकिन अब कस्टमर की डिमांड ये है कि मैंने पैसा दे दिया लेकिन मेरी कंपनी का नाम यहां पर दिखना चाहिए, तो अब बात यह थी जब केस ही दे दिया तो कंपनी का नाम अब हम कहां से दिखाएंगे, तो केस दिखेगा या फिर पर्टिकुलर किसी कस्टमर का नाम दिखेगा। तो अब हमें चाहिए भी आपको केस भी दिखाई दे और साथ के साथ उस कस्टमर का नाम भी यहां पर दिखाई दे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा केस का इनवॉइस है हम सेल वाउचर पे रहते हुए F12 प्रेस करना है, तो ये कॉन्फिगरेशन की विंडो हमारे सामने आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास ये फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा बायर्स प्रोवाइड बायर्स की डिटेल, तो इस ऑप्शन को हम क्या करेंगे यस कर लेंगे और इसको कंट्रोल ए के साथ इस विंडो को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में सेम वही वाउचर आ गया। अब जैसे हम क्या करेंगे पार्टी अकाउंट नेम पे इंटर प्रेस करेंगे ना, तो उसके बाद में पार्टी की डिटेल्स की एक विंडो और ओपन हो जाएगी।
अब हमें यहाँ क्या करना है, अगर आपका वो कस्टमर ऑलरेडी क्रिएट है तो उसमें से आप लिस्ट में से सिलेक्ट कर लोगे। जैसा कि मेरे पास यहाँ पे सुरेश ट्रेडिंग कंपनी का लेजर ऑलरेडी क्रिएट है, तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करोगे। तो जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसका सारी डिटेल यहाँ पर आपको शो करेगी, एड्रेस की डिटेल, उसका जीएसटी नंबर वगैरह सब कुछ। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल कंट्रोल ए प्रेस कर देना है और यहाँ पर भी कंट्रोल ए प्रेस कर देना है, ठीक है। अब की कंडीशन में क्या हुआ, तो इसका मतलब वो सुरेश ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट में चली गई, नहीं गई वापिस। हम सुरेश ट्रेडिंग कंपनी का लेजर आप देखोगे तो सुरेश ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट में अभी भी वो सिंगल इनवॉइस, जो पहला इनवॉइस था वही दिखाई दे रहा है। अगर हम केस लेजर की बात करें तो जो सेकंड इनवॉइस था, दो नंबर इनवॉइस है, वो अभी भी इसी केस के लेजर में ही पड़ा है। तो उसका सुरेश ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो अब इसका जीएसटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो हम देखते हैं। जीएसटी R1 को ओपन करेंगे, पूरा डाटा हम ओपन कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो जो हमारी अभी सेल यहाँ पे बी टू सी के अंदर जो दिखाई दे रही थी, वो दोनों के दोनों इनवॉइस अब हमारी बी टू बी के अंदर दिखाई देने लग गए, एक नंबर इनवॉइस और दो नंबर इनवॉइस। चाहे वो केस हमारी सेल हमारी चाहे केस की है, लेकिन हमने बायर्स डिटेल के अंदर उस कंपनी का नाम हमने मेंशन कर दिया, तो वो डाटा टेली सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक बी टू बी की इनवॉइस की कैटेगरी में उठा देगा। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो वो दोनों के दोनों इनवॉइस, एक नंबर और दो नंबर, 100 रुपए वाला और 750 रुपए वाला, ये दोनों के दोनों आपको रजिस्टर्ड पार्टी की डिटेल में दिखाएगा। लेकिन बात ये भी, जो पहला हमने क्रेडिट यानी कि जो उधार की सेल थी वही इनवॉइस पार्टी के अकाउंट के अंदर आपको शो करेगा। जो केस वाला था वो जीएसटी रिटर्न के अंदर तो उसी अकाउंट पार्टी के कस्टमर के अकाउंट में शो करेगा, बट लेजर की बात करें तो लेजर में वो केस के लेजर में ही आपको दिखाई देगा। तो अब सिंपल सा डिटेल आप समझ गए होंगे, क्रेडिट सेल का मतलब ये हो जाएगा भी कस्टमर का नाम वहां पर आएगा, अगर बायर्स की डिटेल के अंदर केस वर्ड यूज नहीं किया हो तो वो एंट्री उधार की मानी जाएगी। अगर कस्टमर की जगह अगर वर्डिंग केस लिखा हुआ है तो वो हमारी नगद की सेल मानी जाएगी। एंट्री करने का सॉफ्टवेयर में दोनों का बिल्कुल सेम तरीका है। अगर आपने रजिस्टर्ड की डिटेल मेंशन नहीं करी तो वो अनरजिस्टर्ड यानी कि बी टू सी का पार्ट माना जाएगा। अगर आपने केस की सेल है लेकिन आपने रजिस्टर्ड पार्टी की डिटेल को मेंशन कर दिया तो वो डिटेल आपकी बी टू बी पार्ट में जाएगी। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई, नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक देकर जरूर जाना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी कर लेना।